नमस्ते। मैं आज बनाना जा रहा हूँ चमकता हुआ पुदीना रोटी। पुदीना पराठा खाते, पुदीना रोटी कभी नहीं बनाते। घर का रेसिपी है, सिंपल का रेसिपी है, चमकता हुआ पुदीना रोटी। चलिए मैं बताता हूँ रेसिपी। 5 पीस रोटी के लिए थोड़ा सा पुदीना लिया, देखिए 1 कट्ठा पुदीना। घी लिया, देसी घी, सॉल्ट, जीरा पाउडर, सॉल्ट, घी, पुदीना पत्तर, आशीर्वाद अट्टा। चलिए पुदीना पत्तर को अच्छी तरह से पीस लेते हैं। बारीक, जितना बारीक पीसोगे उतना बहुत बढ़िया रहता। देखिए मैं बारीक पीस लिया। बारीक पीसने के बाद देखिए क्या क्या डालता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको रेसिपी पता चलेगा। आशीर्वाद आटा डाल दिया। घर में जैसे आटा मिलाते रोटी खाते हैं, ऐसे ही सेम आप मिलाना। जीरा पाउडर, सॉल्ट ऐड कर देना। उसे जो घी लिया वो भी ऐड कर लेंगे। घी ऐड कर दिया, उसको अच्छी तरह से घर में जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे ही सेम अब मिला देना। और कुछ नहीं डालना, घी, सॉल्ट, जीरा पाउडर, बस इतना ही डालना। पानी देके उसको अच्छी से मिला देना। देखिए मिलाने के बाद उसको 5 मिनट के लिए पेंडिंग रख देना। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद उसको घर में जैसे रोटी बनाते ऐसे ही बना दीजिए। देखिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये यूनिक रेसिपी है, मस्त रहता खाने के लिए, ज़बरदस्त रहता, बहुत सॉफ्ट रहता खाने के लिए, अब तो हेल्दी भी रहता है। देखिए अच्छी तरह से उसको बेल देना, जैसे घर में रोटी बनाते ऐसे। नॉनस्टिक तवा में तेल नहीं डालना कि घी नहीं डालना, ऐसे ही आपको डायरेक्ट सेक देना जैसे घर में सेकते हैं। देखिए ऐसे ही घर में सेकते हैं। देखिए अच्छी तरह से मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए ये चमकता हुआ पुदीना रोटी बहुत सॉफ्ट रहता, बहुत मुलायम रहता खाने के लिए, मज़ेदार रहता खाने के लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कीजिए, बेल लगन दबा दीजिए, नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन जाएगी।